दोस्तों, हम कैंप लुंगता से इस वक्त निकल रहे हैं और समय हो रहा है दोपहर के एक। हमें निकलने में देरी इसलिए हो गई कि हमें सुबह सुबह कुछ शूट करना था। यहाँ हिमाचली कल्चर के बारे में थोड़ा था, तो डांस गाना वगैरह शूट किया, बहुत ही मज़ा आया। और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं इन्फिनिटी टी एस्टेट्स एंड रिसोर्ट्स, जो यहाँ से 18 किलोमीटर दिखाता है लेकिन समय लग जाएगा 40 मिनट, बिल्कुल हिली एरिया है। धर्मशाला में है वो, पालमपुर में है। हाँ, वैसे जगह का नाम पालमपुर है लेकिन मेन धर्मशाला, और वहाँ पर आज रात रहेंगे और उसके बाद कल हम अपनी आगे की जर्नी तय करेंगे। तो चलिए साथ में चलते हैं दोस्तों। रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ का, उसको पार कर देते हैं पहले। नमस्कार दोस्तों, जैसे फाल्गुनी ने कहा कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, वाकई में अच्छी है। इन्होंने 4 कॉटेजेस बनाए हैं और बहुत ही यूनिक है। कॉटेजेस तो यूनिक है लेकिन उनके नाम भी यूनिक है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि हिमाचल के अलग अलग रीजियन में जैसे घर पाए जाते हैं, अलग अलग उसकी भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, तो उसको यहाँ रिक्रिएट करने का उन्होंने प्रयास किया है। उस रीजन के हिसाब से हर एक कॉटेज बनाया है। जैसे कहा फाल्गुनी ने कि भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से, तो मैं आपको थोड़ा उदाहरण देता हूँ। जैसे पत्थर, मिट्टी, इन सब लोकल सब चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने ये घर बनाए हैं। और अगर आप इनका रूफ देखेंगे तो यहाँ लोकल जो स्लेट्स बनती है, यानी पत्थरों से काट के बनती है, उन्हीं का उपयोग किया है इन्होंने। तो हमारी वजह यह है यहाँ रुकने की, एक तो ये बिल्कुल जंगल के बाजू में, रिवर के पास में ये कैंप साइट है, विलेज है, तो नेचर को भी एंजॉय करेंगे और थोड़ा हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। नमस्ते डबरा जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपने बनाई है, इतनी खूबसूरत जगह पे हमें यहाँ रुकने का मन हो रहा है। तो अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इस प्रॉपर्टी को बनाने के पीछे, हिमाचल हेरिटेज विलेज को बनाने? इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मेन जो मेरा एक मकसद था कि जैसे अगर आप हिमाचल अगर आप पूरा घूम रहे होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ किलोमीटर, मेरा मतलब जैसे कि 100 किलोमीटर के बाद अप्रोक्सीमेट सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। ज्योग्राफिकल चेंज हो जाता है, लैंग्वेज, पहनावा, कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल और आर्किटेक्चर भी उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। सही है। जैसे जैसे वहाँ पे जो इलाका रहेगा उसी हिसाब से हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने वहाँ पे उसके तरीके से मकान बनाया अपना, रहना वहाँ पे रहे। लेकिन इतनी चीज़ें हैं हिमाचल में कि उसको एक जगह में, हमारी कोशिश रही कि एक जगह में उसको एक उसको विलेज लाइक सेटअप देना है कि उसमें हमारे जो अलग अलग टाइप के, जैसे अभी हमने बना रखे हैं यहाँ पे, तो उसी अलग अलग टाइप के जो मकान है हमने कोशिश की कि उसको बनाने की एक ही जगह पर।
जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमारा जो पीछे वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ये पे जो बना हुआ, हाँ ये हमारा किन्नौर स्टाइल में है। अच्छा, किन्नौर में? किन्नौर में, किन्नौर में ऐसे मकान होते थे जिसमें कि आपने देखा होगा, वो हमारा रेस्टोरेंट, रिसेप्शन और ऑफिस एरिया है, नीचे जो है ओपन रहता है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, जैसे उनकी गाय वगैरह जो भी है, अब स्टोर जैसा, तो हमने उसको एक पार्टी रूम जो चारों तरफ से खुला हुआ है, नीचे खुला दिख रहा है। हाँ, उसको हमने बंद नहीं किया, पार्टीज होती है यहाँ पे, शादियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको ये नहीं कि एक बैंक्वेट हॉल जैसे उसको बंद कर दिया, एक ओपननेस दी है कि जहाँ पे आप अपना बैठे और प्रकृति का एक आनंद ले। अच्छा सर, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस? आई मीन मैं तो ये बोलूंगा, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस प्लेस, मैं तो बोलूंगा कि हर दिन यहाँ पे। अच्छा। हर दिन का, और सही में बता रहा हूँ, हर दिन का अपना एक अलग से रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आप आए यहाँ पे, अभी जिनको ज्यादा ठंड पसंद नहीं है उनके लिए बेस्ट पीरियड है। हाँ जी। और जिनको कोई ऐसे आते हैं जिनको ठंड चाहिए ज्यादा, बर्फ चाहिए, तो उनका भी एक अलग मजा है। हाँ जी। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मैंने देखा कि वो रेनी सीजन में आते हैं। हाँ। क्योंकि जो आपके उधर जो रेन होती है या प्लेन में जो रेन होती है उसका अलग है, यहाँ पे जो आप देखेंगे अभी यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, थोड़ी देर आप देखेंगे हम बादलों के बीच में, बादल जा रहे हैं ऊपर पहाड़ की तरफ, थोड़ी देर देखेंगे तो बादल यहाँ से जा रहे हैं और चारों तरफ ग्रीन है, पानी यहाँ से निकल रहा है वहाँ से, तो उसका एक अलग मजा है। तो यहाँ पे मैं तो ये बोलता हूँ हर सीजन का यहाँ पे अलग एक उसका मजा, अलग अलग सीजन में उसका मजा भी अलग है। ये हमारे जो कॉटेजेस हैं, अभी जो नेक्स्ट कॉटेज आ रही है, इसका नाम हमने रखा वो बरोट कॉटेज। बरोट एक जगह, बरोट BAROT, बरोट जो एक जगह का नाम है डिस्ट्रिक्ट मंडी में भी और हिमाचल में, दोनों का वहाँ पे आधा हिमाचल में अपना, सॉरी मंडी में, और आधा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। पूरा लकड़ी का, पूरा लकड़ी दिख रहा है। हाँ, पूरा लकड़ी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस कॉटेज के बारे में। हाँ जी। ये जो कॉटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बरोट, ये सिर्फ बरोट में नहीं होती थी, कुल्लू जितना है, कुल्लू हो गया आपका, भरमौर जो एरिया है हमारा चंबा का, वहाँ पे जहाँ पे लकड़ी है, बारिश कम है, बर्फ ज्यादा है। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे इसकी रूफिंग, उसके दीवारें वगैरह सब लकड़ी की होती थी। अच्छा। क्योंकि मैंने पहले जैसे आपको बताया कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने वो चीज़ें ली है नेचर से जो वहाँ पे अवेलेबल थी और वहाँ पे सूटेबल थी, तो ये पूरा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से उस वैली के लिए है। तो वहाँ की लकड़ी भी ऐसी है कि जो बारिश में भी उसको कुछ हो नहीं सकता। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि अभी तो खैर हम क्या करते हैं, जैसे जो पेड़ रहते हैं, जैसे पाइन्स का है या देवदार का है, उसको यंग एज में काट देते हैं। हाँ। लेकिन जो पहले क्या होता था कि जो सबसे मैच्योर पेड़ हो गया, उसको जब उसकी कटिंग करते थे, उसको जो हम फर्नीचर या किसी कंस्ट्रक्शन में काम करते थे, वो 100-100 साल से ऊपर, ऐसे से मैंने घर देखे हैं अपने रिलेशन में, और जो मैंने जहाँ जहाँ विजिट किया, जो पुरानी लकड़ी जहाँ पे यूज हो रखी है एक मैच्योर पेड़ की, वो सालों साल, 100-100 साल, 150-150 साल, वो कुछ नहीं हुआ, ना कीड़ा लगा, ना कुछ नहीं, दीमत कुछ भी, कुछ भी नहीं लगती। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, जहाँ पे आप उसको एक यंग एज में उसको ट्रीट कर देते हैं, ये है, तो इसी हिसाब से ये मैंने उसको एक बरोट कॉटेज है वो बनाया। अभी जो जैसे मैंने आपको ये वाली कॉटेज दिखाई, अभी हम नेक्स्ट जो कॉटेज है उसके बारे में दिखाते हैं। फिर से इसमें तो ये स्लेट माइंस वाले स्ट्रक्चर आ गया। हाँ, आइए। स्लेट के बनाए हुए पूरे, ये जो पत्थर है। हाँ जी। इसको हम बोलते हैं स्लोट। स्लोट। हाँ, इसको स्लेट नहीं बोलते। अच्छा। स्लेट जो है वो ऊपर लगी हुई है। हाँ। लेकिन ये स्लोट, ये सारा पत्थर जो है वो आपका खनियारा से आया। अच्छा। हाँ, ये जो कहीं सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरियाज है जहाँ पे मिलता है, और इसमें इस कॉटेज में कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ, एक के ऊपर एक, और आप इसकी अगर विड्थ देखें दीवार की तो 2 फुट से ऊपर है दीवार की जो विड्थ है, और इसमें कोई सीमेंट इसमें बिल्कुल यूज नहीं हुआ है। इस तरीके से। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, इसका जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जो है। हाँ जी। इसको इसकी जो खिड़कियों के ऊपर या आर्चीज जो बनी हुई है। हाँ जी। इसमें जो ये डॉट फिनिशिंग बोलते हैं इसको, डॉट फिनिशिंग। हाँ, या फिर अगर हिंदी में अगर लोकल लैंग्वेज बोले तो इसको हम बोलते हैं दाल फिनिशिंग, जो हमारे जॉज रहते हैं ना। हाँ हाँ। वैसे फिनिशिंग है ये सब जो मिस्त्री है उन्हीं के, मतलब इसको आम मिस्त्री नहीं कर पाएगा, इसको स्पेशल जो है स्पेशल वही करता है। और इसमें कोई पूरे स्ट्रक्चर में सिवाय जो बॉर्डर बना है वो सीमेंटेड है, बाकी इसमें कोई सीमेंट यूज नहीं हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर, और एक पत्थर नहीं है ये, एक इधर है तो एक उधर है। हाँ। उसके इसी कारण जिसकी जो विड्थ है दीवार की, और ये कम से कम 2 फुट से ऊपर है, और इसका अगर आप देखेंगे और आपने महसूस भी किया होगा कि जितने भी अगर हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन है वो सारे में अगर गर्मियों में अंदर से ठंडा रहेगा और सर्दियों में अंदर से गर्म रहेगा,
ये सब इस चीजों की ब्यूटी है। नेचुरल हीटर है और नेचुरल एसी है। हाँ, सब कुछ है इसके अंदर, कुछ जरूरत ही नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हमने दो रातें हिमाचल हेरिटेज विलेज में गुजारी, जो आपके पीछे आपको दिख रहा है। बहुत ही मज़ा आया, यूनिक लोकेशन है, जैसे चारों ओर पहाड़ है। इस तरफ अगर आप देखेंगे, अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन्स भी है। और हम तो सबको यही कहेंगे कि एक बार तो ज़िंदगी में यहाँ आना बनता है। क्यों, क्या बोल रही है आप?